जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चले बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि सेंट पीटरबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो आंसर क्या होगा, पेत्रोगार्ड होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पिट्सबर्ग का जो नाम था वो बाद में क्या पड़ा था, पेत्रोगार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति की किस शहर से शुरुआत हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है पेरिस शहर से शुरुआत हुआ था, जो कि लंदन में है। ठीक है, जो कि लंदन के एक शहर है पेरिस, वहां से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो उसको जो है एस्टेट कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, एस्टेट। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1930 से लेकर 1945 तक हुआ था, जो कि 15 वर्ष तक चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और अगर प्रथम यहाँ पे विश्व युद्ध का है तो आपको याद रखना था, तो 1914 से 1918 तक चला था, 4 वर्ष ही चला था। ठीक है, प्रथम जो विश्व युद्ध, और द्वितीय युद्ध जो है वो 15 वर्ष तक चला था, जो कि 1930 से लेकर 1945 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि स्लीपर कहाँ लगते हैं। तो स्लीपर दोस्तों कहाँ लगते हैं, तो स्लीपर जो है रेल के पटरी में लगते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर कश्मीर के चारवाहों को क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर के चारवाहों को जो है गुज्जर बकरवाल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कैप्टन स्विंग कौन था। तो कैप्टन स्विंग जो है काल्पनिक नाम है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया। तो दोस्तों, ये हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के द्वारा ही जो है क्रिकेट का आविष्कार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, इंग्लैंड। अगला सवाल है कि एक तरफ करके पहनी जाने वाली टोपी को कहते हैं, एक तरफ करके जो है पहनी जाने वाली टोपी को जो है कांकेड कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, कांकेड। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि वैगा, देखिए वैगा एक वर्ण्य समुदाय है। तो वैगा कौन सा समुदाय है, मध्य भारत का समुदाय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मध्य भारत का। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो बच्चों, आपको मैंने बताया ना, तो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, और उसको मैंने बताया था 4 वर्ष ही चला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1878 के वन्य कानून में वनों को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों, ये जो है टोटल जो है 3 भागों में बांटा गया था, रक्षित, अरक्षित और अनरक्षित। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अनुमूलन वन, इसको जो कह सकते हैं, यानी 3 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 3 भागों में। ठीक है, अगला सवाल, एक निमांकित में से कौन अफ्रीका के चारवाहा नहीं है। दोस्तों, ये धनगर जो है ये अफ्रीका के चारवाहा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, अब बताएं कि वह कौन सा देश है। यहाँ पे दोस्तों, ये जो सवाल है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज में बनाया गया है, और इस सवाल का आंसर आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि यह जो सवाल है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम इस प्रकार से पूछता है कि ये बताइए कि भारत का मतलब भारत के नजदीकी सीमा को बिना छूते हुए वैसा कौन सा देश है, या कह सकता है कि वह कौन सा देश है जो कि भारत के सीमा को नहीं छूती है। इस प्रकार से भी आपका सवाल दे सकता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों से मिलन स्थान पर है। तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के
जी मंडल निचियों के लिए गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर रहा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, तो साक्षर व्यक्ति कौन है बच्चों 2001 की जनगणना के अनुसार जो है जिसकी उम्र जो है 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। 2001 की जनगणना के अनुसार वह जो है साक्षर व्यक्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत देश में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत देश में जो है टोटल जो है 29 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। वर्तमान में अभी 29 राज्य, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, तो इसको हम लोग कहते हैं चिल्का झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कुल वर्षा जो रबी के लिए महत्वपूर्ण होती है को स्थानीय भाषा में कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं महावट कहते हैं, ठीक है। स्थानीय भाषा में उसको महावट कहा जाता है, जो कि रबी फसल के दौरान जो है कुल वर्षा होती है, यानी कि जो पर्याप्त वर्षा होती है उसको हम लोग यहाँ पे जो है स्थानीय भाषा में महावट कहा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया कि सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है, बच्चों इसका आंसर आएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है, तो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन दर्शाता है, जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जनसंख्या वृद्धि की दर। अगला सवाल है कि किस देश के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमाएं समान रूप से जुड़ी हुई है, इसका आंसर आएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और नेपाल जो है भारत का जो है ये पड़ोसी राज्य भी माना, पड़ोसी देश भी माना जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया कि पोलैंड एक देश है, तो पोलैंड जो है एक मध्य यूरोपीय देश है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि शासकों का चुनाव जनता करती है, तो शासकों का चुनाव जो है जनता करती है, यानी कि जनता के द्वारा ही सरकार का जो है निर्माण किया जाता है, सरकार को बनाती है, गिराती भी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है 29 नंबर, कहता है कि एक ट्रेड यूनियन नेता जो 1990 के चुनाव में पोलैंड का निर्वाचित राष्ट्रपति बना वह कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा लेक वाले, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है, साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1994, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, चुनाव प्रणाली में किस प्रकार के मशीन का उपयोग जो है आजकल हो रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है अभी वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि राज्य का सर्वोच्च यानी कि प्रधान कौन होता है, तो कौन होता है बच्चों, राष्ट्रपति होता है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयनित नहीं होता है, दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चयनित नहीं होते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव उपायुक्त और राज्यों के गवर्नर, ये सभी जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है चुने जाते हैं, चयनित किए जाते हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री जो है, राज्य के मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और सदस्यों के द्वारा, राज्य सदस्य के द्वारा इसको चुना जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि मानवाधिकार आयोग किस वर्ष गठित हुआ, तो इसका आंसर 1993 में गठित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित राजनैतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान
इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान जो है इनमें से अपनी संस्कृति की रक्षा करने का जो अधिकार देती है, ऑप्शन सी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है, तो क्या है बच्चों? नलकूप है। ये कई बार आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति जो है वो कृषि में विकास की क्रांति है, तो ऑप्शन ए का सही आंसर होगा। अगला है, पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित है, तो लगभग जो है 75% लोग जो है खेती पर आश्रित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आर्थिक क्रियाएं जो है दो प्रकार की होती है, ठीक है, ऑप्शन दो इसका, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा, दो क्रियाएं। अगला प्रश्न है, एक देश की श्रम शक्ति क्या है, तो एक देश की श्रम शक्ति होती है 15 से 59 वर्ष तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, 44 नंबर दिया गया है कि सब सहारा अफ्रीका में 1981 और 2001 में निर्धनता अनुपात क्या था, तो देखिए 1981 और 2001 में यह पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सब सहारा अफ्रीका में जो है 1981 में था 41% और 2021 में हो गया 46%, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है, विश्व के कौन से देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है, तो इसका आंसर जाएगा नाइजीरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धन कौन है, दोस्तों अशिक्षित लोग जो है वो निर्धन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला दिया गया है कि ICDS का पूर्ण रूप क्या है, तो ICDSE का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुआ, तो दोस्तों 1940 के दशक में शुरू हुआ था, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, 49 नंबर दिया गया है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा कर के तरीके को क्या कहते हैं, उसको बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नांकित में कौन सा राज्य जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई, तो इसका आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल से आप लोगों का एग्जाम होना है, इसलिए आप एग्जाम की तैयारी भरपूर और जबरदस्त तरीके से कीजिए, ताकि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न को ना छोड़ें, उसको आप पूरी तरह से क्लियर कर लें और इस बार भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। चलिए बच्चों, हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा।